गाइज, मैं पिछले 7 सालों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से मैं गूगल एडसेंस की मदद से ही पैसे कमा रहा हूँ। आज के टाइम पे मेरी मेजॉरिटी अर्निंग गूगल एडसेंस से ही होती है। गूगल एडसेंस को यूज करने का मेन रीजन ये है कि गूगल एडसेंस पैसे बहुत ज्यादा देता है। अगर आप किसी और अल्टरनेटिव को यूज करोगे तो वहां पर आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने आपको गूगल एडसेंस दे देता है। इसी रीजन की वजह से सभी लोग गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं लेकिन गलतियां इतनी ज्यादा करते हैं कि उन्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में आप साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसकी मदद से मैं मल्टीपल टाइम्स गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले चुका हूं। तो अगर आप भी अपनी साइट को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल वेब बीज। गाइस, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से लेके आज तक मुझे कभी दिक्कत नहीं आई है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में, क्योंकि मैंने अपने लिए एक सेट ऑफ रूल्स बना के रखे हुए हैं जिन्हें मैं हर बार फॉलो करता हूं अपने न्यू ब्लॉग पर, एंड उसकी वजह से मुझे एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही सेम रूल्स शेयर करने वाला हूं। स्टेप वाइज आपको बताऊंगा कि क्या-क्या चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो गारंटीड आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, और अगर आपको फ्यूचर में कोई और एडसेंस लेना हो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ ब्लॉगिंग का अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जो चीजें मुझे पता है ब्लॉगिंग के रिलेटेड, एसईओ के रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, वो सब कुछ इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली चैनल के साथ तो जुड़ ही जाएं, और वीडियो यहां तक पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को डेफिनेटली लाइक भी कर देना। तो गाइस, जो सबसे पहला स्टेप रहता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में, जहां पे बहुत सारे लोग मेजॉरिटी गलती कर देते हैं, वो है बाय अ टॉप लेवल डोमेन। बहुत सारे लोग जो स्टार्ट करते हैं वो ये चीज सोचते हैं यार पैसे नहीं लगाता हूं, एक फ्री डोमेन पे अप्रूवल ले लेता हूं, लेकिन उनकी सारी की सारी मेहनत इसी वजह से बर्बाद हो जाती है कि वो अपने 50-60 रुपए 100-200 रुपए बचा लेते हैं। और वो चीज आपको नहीं करनी अगर आप ब्लॉगिंग के लिए सीरियस हो, आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आपको एक टॉप लेवल डोमेन लेना पड़ेगा। टॉप लेवल डोमेन का अगर आपको नहीं पता है तो .com, .in, .net, .org, .co, इस टाइप की सभी डोमेन होती है टॉप लेवल डोमेन। तो अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपके पास भी एक ऐसा ही डोमेन होना चाहिए जहां से आप बाय करना चाहते हो, आप कर सकते हो। अब बात करते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 की। आपको अपने ब्लॉग को सेटअप करना है, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे वो ब्लॉगर हो, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो आपको अपने ब्लॉग को सेटअप करना है। ब्लॉग को सेटअप करने पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं ब्लॉगर पे कैसे करना है, वर्डप्रेस पे कैसे करना है। दोनों का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डेफिनेटली उसको चेकआउट कर लेना। स्टार्ट टू एंड कैसे ब्लॉग को सेट करना है वो सब कुछ मैंने वहां पर डिटेल में बताया हुआ है। और अगर आपको मल्टीपल एडसेंस के अप्रूवल्स लेने हैं तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉगर में दिक्कत आ जाती है। अगर आपके पास एक एडसेंस का अप्रूवल है तो आपको ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट का एरर आता होगा। अगर आता है तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। तो अगर आप इस एरर को अवॉइड करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा और वर्डप्रेस में अपनी साइट को बनाना पड़ेगा। और होस्टिंग के लिए अगर आपको बेस्ट एंड अफोर्डेबल होस्टिंग चाहिए तो उसके लिए आप होस्टिंगर को ट्राई आउट कर सकते हो। होस्टिंगर आपको सिर्फ 3,000 रुपए में 1 साल के लिए होस्टिंग, एक डोमेन नेम फ्री में, एक SSL सर्टिफिकेट फ्री में देता है। तो अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हो तो बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी बेस्ट डील को एक्टिवेट कर सकते हैं। डील एक्टिवेट होने के बाद आप चेकआउट के टाइम वेबबीस्ट कूपन कोड को यूज कर सकते हैं, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मल्टीपल एडसेंस लेने हैं, मेरी तरह 7-8 एडसेंस रखने हैं, तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस पर ही जाना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ एक लेना है तो ब्लॉगर से भी आपका काम चल जाएगा। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3 जो कि है रिक्वायरमेंट्स। एंड ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको 101% एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और इन सभी रिक्वायरमेंट्स की जो एक चेकलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही इस वीडियो पे 1500 लाइक्स हो जाएंगे। तो अगर आपको वो चेकलिस्ट चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, जैसे ही 1500 लाइक्स हो जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चेकलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। तो अब मैं आपको एक एक करके सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूं, और इन सभी को आपको फॉलो करना है। कुछ भी अगर मिस कर दोगे और फिर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा तो फिर मुझे डीएम करने का भी फायदा नहीं है, कमेंट में पूछने का फायदा नहीं है। रिक्वायरमेंट समझ लो, देख लो, और इनको जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे अप्लाई करते जाओ। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है यूज अ प्रॉपर थीम। आपको एक थीम को यूज करना है अपनी साइट पे। ब्लॉगर पे हो तो आप नोटेबल थीम को यूज कर सकते हो, और अगर आप वर्डप्रेस पे हो तो आप कलर मैग थीम को यूज कर सकते हो। दोनों ही फ्री थीम्स हैं, एंड इनको अगर आप यूज करते हो तो इन पे आपको एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं इन्हीं को यूज करता हूं, तो आप भी इन्हें यूज कर सकते हो। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है क्रिएट मेन्यूज। अब मेन्यूज क्रिएट करने से क्या होता है, आपको जो नेविगेशन का एरर आता है गूगल एडसेंस की तरफ से जिसकी वजह से अप्रूवल नहीं मिलता है तो वो आपका फिक्स हो जाता है। तो आपको एक प्रॉपर मेन्यू बनाना है, हेडर में मेन्यू बनाना कंपलसरी। अगर आप फुटर में भी बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो,
हेडर का लेकिन जरूर से बना लेना। और मेन्यूज बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है क्रिएट पॉलिसी पेजेस। पॉलिसी पेजेस बनाना इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना हो या फिर किसी और साइट का अप्रूवल लेना हो तो उसके लिए जो पॉलिसी पेजेस है वो मस्ट रहते हैं और यही रिक्वायरमेंट अब हम फुलफिल करेंगे। पॉलिसी पेजेस को क्रिएट करने के लिए मैंने एक पर्सनल टूल बनाया जहां पर आप सिंपल क्लिक्स के साथ अपने लिए पॉलिसी पेजेस बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लें। आप सिंपल क्लिक्स के साथ 10-15 सेकंड में अपनी साइट के लिए सारे के सारे पेजेस को क्रिएट कर लोगे और जैसे ही आप वो पेजेस बना लेते हो तो उन पेजेस को जो लिंक्स हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी के, इन लिंक्स को आपको अपने हेडर मेन्यू में जरूर डाल देना है ताकि आपको जो साइट अंडर कंस्ट्रक्शन का एरर आता है वो फिर नहीं आएगा आपको। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है क्रिएट 6 कैटेगरीज। अब ये नंबर फिक्स्ड मैंने अपने लिए रखा हुआ है, आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी यही नंबर रखो। आपको अपनी साइट पे टोटल 6 कैटेगरीज बनानी ही बनानी है और 6 कैटेगरीज आपका जो भी निश है आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगर आप हेल्थ निश में हो तो आप उसके हिसाब से देख लो कौन कौन सी कैटेगरी में आप पोस्ट डालना चाहते हो, तो आपको मिनिमम 6 कैटेगरीज तो ऐड करनी है। एंड कैटेगरीज को ऐड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है ऐड 20 आर्टिकल्स। अब यहां पर जितने भी आप आर्टिकल्स डालने वाले हो सभी की जो लेंथ है वो 1000 वर्ड से ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया, 1000 के नीचे मत रखना ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। आप अगर इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको 100% अश्योरिटी के साथ अप्रूवल मिल जाएगा और अगर आप ऊपर नीचे करोगे फिर एरर आएगा, फिर आप कमेंट सेक्शन बोलोगे कि यार मुझे अप्रूवल नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप जितने भी आर्टिकल्स लिखोगे सभी की लेंथ 1000 वर्ड्स रखना। और जैसे मैंने पिछले स्टेप में आपको बताया था कि कैटेगरी ऐड करनी है तो इन सभी आर्टिकल्स को आपको इन कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। कोई भी कैटेगरी ऐसी मत छोड़ देना जो बस कैटेगरी क्रिएट करी और उसमें आर्टिकल नहीं है, हर एक कैटेगरी में मिनिमम एक आर्टिकल आपको डालना ही डालना है। अगर आपको एक कैटेगरी वाला चीजें समझ नहीं आ रही है तो आप मेरा वर्डप्रेस वाला वीडियो डेफिनेटली देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे पड़ा हुआ है, देख लोगे आपको समझ आ जाएगा किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो टोटल कैटेगरीज ऐड कर लेना 6 और उनमें 20 आर्टिकल्स आप पोस्ट कर देना, सिंपल सा फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आर्टिकल्स डालते वक्त अगर आपके दिल में आए कि यार एक इमेज डाल देना तो उस इमेज को आपको गूगल से डाउनलोड नहीं करना है, किसी साइट से डाउनलोड नहीं करना है, अगर आप वो इमेज बना सकते हो पिक्सल लैब पिक्सआर्ट से तो बना लेना, ना मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, इमेजेस ना होने से भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, कोई कंपलसरी नहीं है, बनाने का दिल हो तो बना लेना, ना बनाना हो मत बनाना, स्किप कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड ये चीज मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से निकाली है एंड इसकी वजह से ही मैं जब भी एडसेंस के लिए अपनी किसी साइट को रेडी करता हूं तो विद इन 24 आवर्स मेरी साइट रेडी हो जाती है एंड मैं एडसेंस के लिए अप्लाई कर देता हूं। तो इसमें क्या है कि आपको अपनी साइट को गूगल वेब मास्टर में पहले तो ऐड करना है एंड ऐड करने के बाद आपको अपने पेजेस को मैन्युअली इंडेक्स करना है। अब किन किन चीजों को मैन्युअली इंडेक्स करना, सबसे पहले आपके जो पॉलिसी पेजेस हैं उनको, मेन्यू में जितने भी आपने कैटेगरीज डाली हैं उन सभी कैटेगरीज को, प्लस आपके जितने 20 आर्टिकल्स हैं उन सभी को आपको मैन्युअली इंडेक्स करना है। मैन्युअली इंडेक्स किस तरीके से कर सकते हैं इस पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में पोर्शन में बताया हुआ है, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आप गूगल वेब मास्टर टूल पे मैन्युअली इंडेक्स कर सकते हो। अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप आता है, इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो है अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस। अब आपका जो ब्लॉग है वो बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट कंडीशन में है एंड अब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी साइट पे ट्रैफिक आता है नहीं आता है, सोशल आता है ऑर्गेनिक आता है, ये हुआ वो हुआ, पुरानी साइट है नई साइट है, कुछ नहीं। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और 99% अश्योरिटी के साथ आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाएगा। बहुत रेयर केस है कि कभी गूगल के एम्प्लॉय से ही कोई गलती हो गई हो या आपका कोड ही मिसमिस हो गया हो तो उसकी वजह से आपको एरर आ जाती है, लेकिन आपको फिर सिंपली क्या करना, आपको दोबारा से रीअप्लाई कर देना है, वही सेम चीज मैं करता हूं एंड सेकंड अटेम्प्ट पे तो मुझे हर बार मिल ही जाता है गूगल एडसेंस, मुझे कोई अल्टरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको अपने दिल को तसल्ली देनी हो तो एक दो आर्टिकल ऐड करके आप रीअप्लाई कर सकते हो, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये जो चेकलिस्ट मैंने पूरी रिक्वायरमेंट्स की बताई है ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जैसे 1500 लाइक्स हो जाएंगे तो उस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और 1500 लाइक्स हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वहां पर आपको
पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। सो गाइज ये था वो फुल प्रोसेस जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में। अगर आप इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हो, आर्टिकल नहीं लिखना चाहते हो, सिंपल काम चाहते हो कॉपी पेस्ट वाला, तो उसके लिए मैंने एक टूल बनाया हुआ है जिस टूल को यूज करके मैं आर्टिकल जनरेट करता हूँ। एंड वहां से भी एक ट्रिक सी है, उस ट्रिक को यूज करके मैं एडसेंस अप्रूवल ले लेता हूँ। बहुत सारे लोग उस ट्रिक को यूज करके एडसेंस अप्रूवल ले रहे हैं। अगर आपको सिर्फ एडसेंस का अप्रूवल लेना है बेचने के लिए या खुद के पास रखने के लिए, तो आप उस ट्रिक को भी ट्राई कर सकते हो। उस पूरी पूरी वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वीडियो को देख लेना। सिंपल सा टूल है, दो चार क्लिक करोगे वो आपको आर्टिकल जनरेट करके देगा। और पूरा मैंने आपको मेथड बताया हुआ है वहां पे कि किस तरीके से आप टूल को यूज करके एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो, देख लेना। अगर आप ट्राई करना चाहते हो एडसेंस का अप्रूवल कैसे आप कॉपी पेस्ट के साथ भी ले सकते हो, बहुत बढ़िया वीडियो है, लिंक आई बटन में पड़ा हुआ है। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दें। अपना कोई भी थॉट हो, क्वेरी हो, दिक्कत आ रही है जिंदगी में, भाई से बात करनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हो, तो उस रेड सब्सक्राइब के बटन को दबाने के बाद बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं ब्लॉगिंग रिलेटेड, एसईओ रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया और आप भी मुझसे यार बातें करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर मुझे डेफिनेटली फॉलो कर लें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर टाइम टू टाइम लाइव सेशंस करता रहता हूं, जहां पर मैं आपकी क्वेरीज के जवाब देता हूं। जो भी आपको दिक्कत हो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं, एंड उस लाइव सेशन के दौरान मैं सारे के सारी क्वेरीज का जवाब देने का ट्राई करता हूं। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक से नहीं जाना है, आप इंस्टाग्राम पर जाकर डायरेक्टली वेबबीस्ट वाईटी भी सर्च कर सकते हैं, तब आप हमें फॉलो कर सकते हैं। That's all for this video. I'll meet you in the next one. Till then, bye bye.